हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड गुरचरण। तो जिसके पास भी वेदांता के शेयर है उसको तो थोड़ा सा झटके वाली खबर है ये, क्योंकि मैंने तो उस दिन भी वीडियो बनाई थी, आपको पता ही है, वेदांता की तीन चार वीडियो बनाई हुई है मैंने, ऊपर एंड स्क्रीन पे भी लगाई हुई है उसको, आप देखो ऊपर जाकर। एक मैं बंदे की कल वीडियो देख रहा था, बोल रहा था कि डीलिस्टिंग में प्राइस क्यों ऊपर जाता है। मैं हैरान हो गया भाई, डी लिस्टिंग, अरे भाई साहब डी लिस्टिंग की बात ही नहीं है। डी लिस्टिंग तो उसको कुछ पता ही नहीं है, लोग बस वीडियो बनाने का शौक होता है उनको, वीडियो का टाइटल दिया होता है लोग डी लिस्टिंग में प्राइस के ऊपर जाता है, 106 रुपये आ गया। मेरी तीनों की तीनों और चारों की चारों वीडियो देख लो जो ऊपर लगी हुई, मैंने कितनी बार, हजार बार बोला था 105 आएगा, 105 आएगा, 105 आएगा। आज उसका प्राइस चेक कर लो, 70 के पास, 72 के पास, 75 के पास, कितनी बार मैंने रिकमेंड किया आप लोगों को कि उसको बाय कर लो, होल्ड करो, 105 तक आएगा ही आएगा। वो दो वो पता नहीं क्या वीडियो बनाने का चस्का पड़ा होता है, बोलता है कि डीलिस्टिंग में क्यों प्राइस इसका ऊपर जाएगा। अब पकड़ लो 12,521 करोड़ का इन्होंने लॉस शो कर दिया, जबकि मैंने साफ साफ बोला था कि मेरा टारगेट 105 का है, वो हो गया है। तो अब आप समझ लो, ये एक पूरा गेम प्लान होता है, कौन सी खबर किस टाइम पे देनी है इन्होंने। SBI की खबर आपको पता है किस टाइम पे दी इन्होंने, नीचे था स्टॉक, बूम कर दिया। अब ये स्टॉक वेदांता का ऊपर है, इन्होंने नेट लॉस शो कर दिया। अब नेट लॉस शो करने का यही सिंपल सा फंडा है कि लोग जल्दी से जल्दी एग्जिट हों, जिसके पास भी शेयर है। ये जानबूझ के लॉस दिखाया गया, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ये जानबूझ के लॉस दिखाया गया ताकि लोग जल्दी से जल्दी एग्जिट हो, जिसके पास भी, ताकि जो इसके जो प्रमोटर्स है उसके पास ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग आए, लोग बेच के निकलेंगे, 106 के पे निकले। जल्दी जल्दी बूम दिया गया, वो तो ये न्यूज देने से पहले ही मैंने टारगेट कितनी बार पहले ही बोल दिया था। वेदांता के ऊपर वीडियो बनाई हुई थी जब, तो इसकी न्यूज भी नहीं आई थी डीलिस्टिंग की, तब भी मैंने बोल दिया था 70-75 के पास आता, 65 भी था तब भी मैंने बोला था 105 रुपये टारगेट है, कम से कम ये शेयर डबल हो चुका है वहां से, ये 80% की रिटर्न दे चुका है, मेरा टारगेट 105 का हो चुका है। अब इसमें निकल जाओ, जिसका जिसके पास भी है आप निकल जाओ, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। बस किसी ने बाय करना हो तो 106 रुपए के ऊपर ही बाय करना भाई साहब, अगर 106 से ऊपर गया तभी बाय करना, वरना ये आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा ये शेयर, मैं पहले बोल रहा हूँ। 85 तक गिरेगा ये शेयर, 85 तक, आप सोच भी नहीं सकते हो जिस हिसाब से इन्होंने जानबूझ के ये लॉस शो किया है, 12,521 करोड़ का। मेरी बातें कड़वी लगती है पर मैं बोलता सीधा बोलता हूँ। मैं नेट प्रॉफिट जो उन्होंने पिछले क्वार्टर में ये बोल रहे हैं कि 2615 करोड़ दिखाया था, उसके कोरस्पॉन्डिंग इन्होंने 12,521 का। इसके मैंने फंडामेंटल अब चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने फंडामेंटल के रिलेटेड सारी वीडियोस बनाई हुई है, मैंने सारा कुछ वो एंड स्क्रीन पे ऊपर आप जाके देख लो, मेरा टारगेट भी रीड कर लो। देखो 12,521 करोड़ का इन्होंने एक्सेप्शनल लॉस डाल दिया, ना एक्सेप्शनल लॉस समझ रहे हो आप, जानबूझ के लॉस डाला गया ये 17,132 करोड़ का। लोग जल्दी से जल्दी एग्जिट हो जाए, ठीक है जी। एनालिस्ट इकोनॉमिक्स वो सोचते कि एनालिस्ट जो सोच रहे थे कि 795 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, हुआ इन्होंने उल्टी गेम कर दिया अनिल अग्रवाल जी ने, ये तो पहले भी डीलिस्टिंग करवाने में माहिर है, ये कंपनी हेड पोस्टेड है। उस बंदे की वीडियो पे हैरानगी आ रही, बोल रहा कि क्यों प्राइस डीलिस्टिंग पे ऊपर जाता है। भाई साहब पहले ही मैंने बोल दिया था कि ऊपर जाएगा, 105 पर जाएगा ही जाएगा। EBDIT डिक्लाइन 30.23%, मैंने अपना अभी इस पे रिव्यू दे दिया, जिसने बाय करना है 106 के ऊपर ही बाय करे, या जिसने एवरेज करनी है, जिसके ऊपर ज्यादा, जिसके पास होल्डिंग पुरानी पड़ी हुई है, ठीक है जी, या 85 पे, बीच में पंगा ना ले वरना फंसेगा वो बहुत बुरे तरीके से, क्या पता कल गैप डाउन ही कर दे ये परसों मंडे को। सुनील दुग्गल चीफ एग्जीक्यूटिव वेदांता, कोविड पेंडेमिक हैड हिट द वर्ल्ड एंड US लास्ट क्वार्टर, अभी तक जानबूझ के ये खबरें दिखाई जा रही हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा अभी इस पे। नेट सेल्स डिक्लाइन, सिर्फ सेल आप सोचो कि 16% मेरी सेल गिरी है, 16%, वो मैं 2600, मेरा कितना प्रॉफिट था, 2600 करोड़ मेरा प्रॉफिट था, और मैंने 12,000 लॉस कैसे दिखा दिया सिर्फ, जबकि मेरी सेल गिरी है 16%। जी बाकी आप लोग खुद समझदार हो, कंपनी हैज कैश एंड
लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑफ 37,000 करोड़ एज ऑन 31 मार्च। ग्रॉस डेट कंपनी डिक्लाइंड बाय 7,000 करोड़ से पहले 7,000 करोड़ पे इन्होंने अपना डेट कम किया है। इन्होंने पहले 59,000 करोड़ था, तो मैंने अपना व्यू दे दिया है। इन्होंने बोल दिया कि ड्यू टू द रीपेमेंट ऑफ डेट एंड अनवाइंडिंग वर्किंग कैपिटल बीइंग पार्शियली ऑफसेट डिविडेंड पेमेंट बाय कैरन इंडिया होल्डिंग। अभी जो कैरन इंडिया होल्डिंग ने ये शेयर लिया हुआ था, उसने ये कंपनी अक्वायर की थी वेदांता को, तभी ये शेयर 2015 में 70 रुपये से लेकर 350 तक गया था। और मैंने अपना पूरा व्यू आपको दे दिया, 85 पे है तभी बाय करना है, वरना नहीं बाय करना। 85 ब्रेक किया तो वहाँ से भी गिरेगा ये। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स। गुरचरण हेयर।